केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सौम्या। आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। धनवापी मामले में जिला जज ने अगली तारीख 24 जनवरी की तय की। चौक थाने के पशुपतेश्वर मोहल्ले में स्थित दो दुकानों में लगी आग। मकर संक्रांति को लेकर पतंगों की सजी दुकानें, चाइनीज मंजा बेचने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। और लंका थाना अंतर्गत सीर गोवर्धनपुर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चलाया गया सघन अभियान। अब खबरें विस्तार से। ज्ञानवापी मामले में जिला जज ने अगली तारीख 24 जनवरी तय की। वाराणसी की ज्ञानवापी मामले में आज जिन मामलों में फैसला आना था उन सभी मामलों में जिला जज वाराणसी एके विश्वेश ने अगली तारीख लगाते हुए 24 जनवरी की तारीख तय कर दी है। इस बीच उन्होंने सभी पक्षों से आपत्तियां मांग ली हैं, लेकिन किसी के भी आवेदन को स्वीकार नहीं किया है। अधिवक्ता ने बताया कि ज्ञानवापी प्रकरण में जनपद न्यायाधीश वाराणसी से आज अपेक्षा थी कि वो एएसआई सर्वे की कॉपी सभी पक्षकारों को उपलब्ध कराएंगे, परन्तु हमें जो तिथि मिली है वो 24 जनवरी की मिली है और इस बीच में एएसआई ने 4 सप्ताह का समय मांगा था हाईकोर्ट के आदेश के मद्देनजर। तो उन दोनों पर विचार करते हुए न्यायाधीश ने एएसआई को मात्र 3 सप्ताह का समय दिया है। ज्ञानवापी प्रकरण में जनपद न्यायाधीश वाराणसी से आज अपेक्षा थी कि वो एएसआई सर्वे की कॉपी सभी पक्षकारों को उपलब्ध कराएंगे, परंतु हमें जो तिथि मिली है वह 24 जनवरी की मिली है और इस बीच में एएसआई ने 4 सप्ताह का समय मांगा था हाईकोर्ट के आदेश के मद्देनजर। तो उन दोनों पर विचारण करते हुए माननीय न्यायाधीश महोदय ने एएसआई को मात्र 3 सप्ताह का समय दिया अर्थात 24 जनवरी का। और इस बीच हम लोग एक सनातनी होने के नाते अपेक्षा भी कर रहे थे कि सदियों की प्रतीक्षा प्रतीक्षा के बाद संताप के बाद 500 वर्षों बाद रामलला विराजित हो रहे हैं, यह युगांतरकारी भारत को यह दिन देखना पड़ रहा है, सुखद अवसर है, तो उसके नाते रामलला विराजित हो जाए, प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, उसके बाद ये तिथि आती है तो अगला चैप्टर हम लोगों का शुरू होगा। चौक थाने के पशुपतेश्वर मोहल्ले में स्थित 2 दुकानों में आग लग गई। चौक थाने के पशुपतेश्वर मोहल्ले में 3 मंजिला जर्जर भवन के नीचे स्थित 2 दुकान में आग लग गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची फायर सर्विस दल ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि चौक थाने के पास स्थित एक मकान के दुकान में चिंगारी की वजह से आग लग गई। धुआं देखकर आसपास के लोग व भवन स्वामी ने इसकी सूचना पुलिस को दी और खुद आग बुझाने में लग गए। वे तत्काल मौके पर दशासुमेध एसीपी अवधेश कुमार पांडे व चौक थाना प्रभारी पहुंचे, साथ ही फायर सर्विस दल पहुंचकर आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया। फिलहाल जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। भवन स्वामी मनीष नंदन मिश्र ने बताया कि लोग भवन के बाहर आग ताप रहे थे, फिर लोग चले गए, उसी आग की चिंगारी अंदर पहुंची और उसी से आग लग गई। ये मोहल्ला पशुपतेश्वर है, मकान नंबर C-13/88A है, जिसका मैं मालिक मैं हूँ। ये ऐसा है कि बाहर जो है दीपावली के समय कोई गद्दे पुराने किसी ने फेंक दिए थे गद्दीदारों ने, तो राग में लगता है कि आग तापने वश जो है किसी व्यक्तियों ने जो यहाँ पे आग तापने के लिए आग जलाया है, उसी से कुछ चिंगारी छटक के अंदर जो है चली गई मकान के अंदर। उस मकान में कोई नहीं रहता है, मकान खाली है जी, पुराना मकान है। हाँ, विवादित मुकदमा चल रहा है, कब्जा मेरे पास है, बाईकोर्ट मैं मालिक हूँ। जी सूचना दी गई है, प्रशासन आई है और हम लोग सब लोग के जो है इस आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये वही आग तापने के कारण जो है आग लगी है। मकर संक्रांति को लेकर पतंगों की दुकानें सजी, वही चाइनीज मांझा बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर में मकर संक्रांति पर्व को देखते हुए मंझे व रंग बिरंगे पतंग की दुकानें जहां एक ओर सज गई हैं और लोग जमकर खरीदारी करते हैं, लेकिन इधर कुछ सालों से चाइना मंझा से लोगों को काफी नुकसान हुआ है। रास्ता चलते लोग घायल हो जाते हैं, कितनी लोगों की मृत्यु हो चुकी है, आसमान में उड़ने वाले पशु पक्षियों की जाने जा चुकी हैं। इन सब चीजों को देखते हुए जहां एक ओर सामाजिक संगठन लोगों को इस मंझे का बहिष्कार करने के लिए जागरूक कर रहे हैं,
तो वहीं पुलिस प्रशासन के लोग काफी सक्रिय हो गए हैं। किसी भी व्यक्ति को अगर ये जानलेवा मंजा बेचते पकड़ा गया तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस उपायुक्त जोन काशी कमिश्नरेट आरएस गौतम ने बताया कि ये जानलेवा मंजा है, इससे लोग तड़प कर मर रहे हैं, सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है, आए दिन लोग सहित पशु पक्षी घायल हो रहे हैं। जो भी दुकानदार चाइना मंजा बेचते पाया गया तो उसे जेल भेजा जाएगा और यदि कहीं बिक रहा है तो आप लोग 112 नंबर पर फोन कर इसकी सूचना दे सकते हैं। जितने भी चाइनीज मंजे यदि कहीं बेचते हुए पाए जाएंगे तो उनके विरुद्ध जो है विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त जो है आम जनता को भी, चूँकि ये मकर संक्रांति के दौरान पतंगबाजी के कंपटीशन होते हैं, जगह जगह लोग पतंग उड़ाते हैं, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए भी कि ये जो चाइनीज मांझा है ये निश्चित रूप से हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदेह है, कई लोगों के साथ घटनाएं घट जाती हैं, तो ये चाइनीज मांझे का प्रयोग ना करें। और यदि कहीं चाइनीज मांझा जो है कोई सेल कर रहा है तो उसके संबंध में तत्काल सूचना दें, 112 नंबर को दें, संबंधित पुलिस स्टेशन को दें या अन्य उच्च अधिकारीगण को भी अवगत करा सकते हैं। चाइनीज मांझे को किसी भी रूप में कहीं बिकने नहीं दिया जाएगा। लंका थाना अंतर्गत सिर गोवर्धनपुर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सघन अभियान चलाया गया। लंका थाना अंतर्गत सीर गोवर्धनपुर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान टीम को स्थानीय नागरिकों का विरोध भी झेलना पड़ा। अभियान में एसडीएम लंका थाने की फोर्स लगी हुई थी। वहीं स्थानीय लोगों ने अभियान चलाने वाली टीम पर पक्षपात का आरोप लगाया। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि पहले रविदास मंदिर की चारदीवारी तोड़ी जाए। इस दौरान पुलिस टीम ने उन्हें रोक दिया। विरोध के बाद जेसीबी रविदास मंदिर से पुनः वापस घूम गई और दूसरी तरफ रोड पर बने अवैध अतिक्रमण को तोड़ा। स्थानीय नागरिक अमन यादव ने कहा कि अभियान चलाने वाले लोग सिर्फ गरीबों के आशियाने पर बुलडोजर चलाते हैं, जो रसूखदार और सोर्स वाले हैं उनके घर पर बुलडोजर नहीं चल पाता है। किस तरह का अभियान चल रहा है, क्या है मामला? यह अभियान जो है खाना सिर्फ और सिर्फ कागजों पे खाना पूर्ति चल रहा है, जो बोल नहीं पा रहा है, गरीबों का कमजोरों का जो है कि दीवार गिराया जा रहा है और जो मजबूत है उनको बख्श दिया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे एसडीएम मैडम भी बोली कि नहीं, यहाँ रविदास जी का बाउंड्री जो घिरा गया है, अतिक्रमण है, वो 5 मिनट तोड़ा जाएगा। विभाग वालों के अंदर हिम्मत ही नहीं है, दम ही नहीं है कि बाउंड्री को छू दें। वहाँ से जो विवाद का मेन जड़ है उसको छोड़कर आगे जो आम जनता है, आम जनमानस है, जो यहाँ पे कमाने खाने वाले हैं, उनका जो है कि ये जगह से मिट्टी खोदने का कार्य और सीढ़ी गिराने का कार्य सिर्फ किया जा रहा है दिखावे के लिए और कुछ भी नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे जो है कि सिर गोवर्धनपुर में जो है कि यादव समाज के लोगों को मंदिर है 5 फीट का 5 मिनट तोड़ने की बोली है, लेकिन उनको हैसियत नहीं है कि जेसीबी का मुआवजा हटा दे। सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए दीवार और गरीबों का रोजी रोजगार चौपट किया जा रहा है। आप देख लीजिए लोग कमाते खाते थे, न कि घर तोड़े न द्वार, सिर्फ और सिर्फ जो रोजी रोटी का जरिया है उसको बर्बाद किया गया है। अब रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रामपंथ की राम ज्योति यात्रा अयोध्या के लिए रवाना हुई, जिसमें मुस्लिम महिलाएं शामिल हुईं। रामपंथ से जुड़कर मुस्लिम महिला फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नाजनीन अंसारी और विशाल भारत संस्थान की राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉ नजमा परवीन राम परिवार भक्ति आंदोलन चला रही हैं। नाजनीन अंसारी और डॉ नजमा परवीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद कि सभी लोग 22 जनवरी को राम ज्योति जलाएं तो अयोध्या में राम ज्योति लाने का फैसला लिया। इसके लिए
राम पंथ की ओर से राम ज्योति यात्रा का आयोजन किया गया। राम ज्योति यात्रा लम्हे के सुभाष भवन से अयोध्या के लिए निकली। यात्रा को मुख्य अतिथि पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर महंत बालकदास ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा दल में नाजनीन अंसारी, डॉ नजमा परवीन, ताजीम भारतवंशी, रोजा भारतवंशी, अफरोज खान शामिल हैं। नाजनीन अंसारी के नेतृत्व में निकली रामज्योति यात्रा जौनपुर अकबरपुर होते हुए अयोध्या पहुंचेगी, जहां साकेत भूषण श्री राम मंदिर के पीठाधीश्वर महंत शंभु देवाचार्य रामज्योति सौंपेंगे। ये बहुत अच्छी देश के लिए एक माहौल बनाएगा, जिससे कि आज मुस्लिम महिलाएं हमारी शिष्या नाजनीन अंसारी काशी से राम ज्योति लेने के लिए जा रही हैं और वहाँ से राम ज्योति लेकर के अयोध्या से आएंगी। काशी वैसी शिव और राम में अंतर नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं। तो उसी प्रकार से इस ज्योति के माध्यम से भी काशी और अयोध्या को जोड़ने का कार्य होगा और वहाँ से ज्योति आकर के घर घर में ये जलेगी, तो मुझे लगता है इससे भी एक शांति और समृद्धि प्राप्त होगी देश के लिए और काशी और अयोध्या के एक मधुर संबंध बनेंगे। मुझे लगता है यह एक पूरे भारत देश के लिए बहुत बड़ी मिसाल बनेगी, बहुत बड़ी एक न्यूज बनेगी मुझे लगता है, और बहुत सुख शांति के लिए एक ये कह लीजिए कि देश भर के लिए माहौल कायम करेगी, जिससे कि लोगों को लगेगा और जो कट्टरपंथी लोग हैं उनको भी एक तमाचा लगेगा कि नहीं, देश ये भारत देश शांति प्रिय है और शांति से चलने वाला है, कट्टरता से नहीं। तो मुझे लगता है यह ज्योति जीवन में, सबके जीवन में ज्योति जलेगी, यह भावना के साथ मैं यहाँ से बहने सब जा रही हैं। मतलब उस ज्योति से काशी भी जगमगाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, घर घर जो है ज्योति जलेगी और अयोध्या और राम ज्योति के नाम से जिस प्रकार से यहाँ प्रकाशी में प्रकाशमान होगा और जीवन में काशी नहीं, काशी के साथ साथ लोगों के जीवन की ज्योति जलेगी, भगवान की कृपा बरसेगी, बाबा विश्वनाथ जी की कृपा बरसेगी, इसलिए इस कामना के साथ यह पावन कार्य किया जा रहा। महाराज जी, एक बहन वहाँ पहुँची भी है, उनको मौलाना द्वारा काफ़ी जो है डराया और धमकाया जा रहा है, आप उन मौलानाओं को क्या कहना चाहते हैं? ये सब कट्टरपंथी लोग हैं, इनका जो है बहुत दिन चलने वाली नहीं है, दुकान इनकी बंद होने वाली है, क्योंकि इन्होंने आज तक दुकान ही तो चलाई है लोगों को धमका करके, कभी अल्लाह के नाम पर तो कभी किसी के नाम पर तो किसी के नाम पर। लोग समझदार हो चुके हैं, पढ़े लिखे हो चुके हैं, समझ रहे हैं बात को, इन लोगों की दुकानें अब ठप होने वाली हैं और इनके धमकाने से कुछ होने वाले नहीं। ऐसे मौलवी कितने आए कितने चले गए और जो भक्त हैं वो अपना काम करते हैं, वो करते रहेंगे। भीषण ठंड व बारिश के बीच हुई विश्व प्रसिद्ध माँ गंगा की आरती में काफी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। बारिश ठंड के बीच में माँ गंगा की आरती में आस्था भारी पड़ी। बारिश के बीच हुई विश्व प्रसिद्ध माँ गंगा की आरती में ठंड व बारिश के बीच श्रद्धालु भक्ति में झूमते दिखे। दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि की ओर से विश्व प्रसिद्ध दैनिक संध्या गंगा आरती में हजारों भक्तों ने हाजिरी लगाई। बारिश के दौरान भी दशाश्वमेध घाट पर माँ गंगा की आरती जारी रही। ज्यादातर लोगों का कहना है कि आरती के समय प्रकृति ने बरसात के रूप में अपनी हाजिरी लगाई और माँ गंगा का श्रृंगार किया। संकल्प सिद्धिरस्तु, नमः पार्वती पतये। मैं पहली बार बनारस आई हूँ और मैं किस्मत, खुद को किस्मत वाली मानती हूँ कि मैं गंगा आरती के टाइम यहाँ पर थी, मुझे प्रसाद भी मिला, बारिश का प्रसाद भी मिला, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ गंगा मैया का कि उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे ये मौका दिया कि मैं उनकी आरती देख सकूं। बारिश के बीच इतनी भीड़ हुई, कैसे देखती है? मैंने, जैसे मैंने अभी बोला, किस्मत वालों को ये मौका मिलता है कि जो यहाँ पे आए, और बारिश तो एक कुछ प्रकृति की देन है, तो गंगा आरती माँ का ये भी आशीर्वाद था कि हमें बारिश में आरती का हमने आनंद लिया। देखिए, 1991 में स्वर्गीय पंडित सत्येंद्र मिश्र जी द्वारा जब गंगा सेवा निधि की शुरुआत की गई, तब से ये आस्था और श्रद्धा का जो है इसको लेकर के देश विदेश से लाखों की संख्या में जो है वो पर्यटक काशी आते हैं, गंगा आरती देखने आते हैं। और कुछ भी हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, बरसात आती है, बाढ़ आता है, सारे घाट जलमग्न हो जाते हैं, लेकिन हर स्थिति परिस्थिति में ये भगवती माँ गंगा की जो प्रातः और सायंकालीन जो भगवती माँ गंगा की आरती है वो हर हाल में अपने पारंपरिक रूप से संपन्न होती है। और जितने भी श्रद्धालु हैं उन पे इन चीज़ों का, ये आंधी तूफान पानी ये सब चीज़ों का कोई भी असर नहीं दिखता है।
हज़ारों की संख्या में जो है श्रद्धालु पर्यटक वो आते हैं और ये सब कराने वाली भगवती माँ गंगा हैं, बाबा विश्वनाथ हैं। ये कोई शक्ति है जो किसी व्यक्ति को निमित्त बना करके ये कार्य करवाती है। और आज भी जैसा कि मौसम ख़राब होने की वजह से काफ़ी बारिश हो रही थी, लेकिन उसमें भी हज़ारों की संख्या में पूरा दशाश्वमेध घाट, राजेंद्र प्रसाद घाट और लगभग बिजगंगा तक नाव जो है उस पर सब जो श्रद्धालु हैं, दर्शनार्थी हैं, उन लोग इसी मौसम में जो आरती का आनंद उठा रहे थे। उत्तर प्रदेशी चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ की बैठक संपन्न हुई। उत्तर प्रदेशी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ जनपद शाखा वाराणसी की अति आवश्यक विस्तारित बैठक महासंघ कार्यालय लोक निर्माण विभाग परिसर वरुणापुल नदेसर में रामचंद्र गुप्ता जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक का संचालन ब्रजेश यादव जिला मंत्री ने किया। इस अवसर पर उमेश बहादुर सिंह मंडल अध्यक्ष, सतेन्द्र सिंह मंडल मंत्री उपस्थित रहे। मंडल में प्रमुख रूप से चार बिन्दुओं पर चर्चा हुई, जिसमें जिलाध्यक्ष रामचंद्र गुप्ता ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि सभी विभागों के चतुर्थ श्रेणी समूह घ कर्मचारियों की सीधी भर्ती की जाए, भर्ती पर लगा प्रतिबंध हटाया जाए तथा रिक्त स्वीकृत पदों पर एक अभियान चलाकर भर्तियां की जाए और चतुर्थ श्रेणी के वेतनमान में व्याप्त विसंगति दूर की जाए। और साथ ही ये मांग की गई कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी चपरासी का नाम परिवर्तित करके कार्यालय सहायक पदनाम किया जाए। इस बैठक में सभी विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। ये हमारे हर मासिक बैठक होती है, हर महीने बैठक होती है और हमारी चार सूत्री मांग पर मेन बात थी कि चतुर्थ श्रेणी की भर्ती सरकार द्वारा कई वर्षों से बंद है। काफ़ी लोग बेरोजगारी में पड़े हुए हैं, हर विभाग में काम हो नहीं पा रहा है और सरकार को खुद सोचना चाहिए कि से कम रोजी रोटी कर्मचारियों को दे, जो नए बच्चे निकल रहे हैं कम से कम चतुर्थ श्रेणी की भर्ती हो जाए, जो सरकार की जितनी योजना है उसका काम भी ठीक सही रूप से चल सके। और दूसरी बात है, हम लोग काफ़ी दिनों से चतुर्थ श्रेणी की भर्ती के लिए लड़ रहे हैं। और दूसरी बात है, जो चतुर्थ श्रेणी की चपरासी पद है उसको कार्यालय सहायक के रूप में इसको कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा कि हर लोग का एक सम्मान होता है। चपरासी पद बहुत पुराना रह गया, अब चपरासी पद से आदमी घिरा की निगाहों से दिखता है। सहायक कार्यालय सहायक जो कि पूरा कंप्यूटर से लेकर चतुर्थ श्रेणी ड्राइवर का काम इस समय कर रहा है, हर काम इस चतुर्थ श्रेणी कर रहे हैं, कंप्यूटर का भी काम कर रहे हैं। तो हम सरकार से ही हमारी मांग है तत्काल इसको चतुर्थ श्रेणी की भर्ती की जाए, जिसे हमारे कर्मचारी पूरे देश में जो कई राज्य उत्तर प्रदेश में कई लाख चतुर्थ श्रेणी के पद रिक्त है, कोई ऐसा विभाग नहीं है जहाँ पर चतुर्थ श्रेणी की जगह नहीं है। तो मैं सरकार से यही मांग करता हूँ कि कम से कम हमारे चतुर्थ श्रेणी की भर्ती तत्काल हो, इसीलिए आज हम लोग हर मासिक बैठक कर रहे हैं। अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर हम लोग कोई निर्णय लेंगे धरना प्रदर्शन, क्योंकि हम लोग सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाना चाहते हैं, क्योंकि जो हमारे वाराणसी के सांसद जी हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनका कार्य जैसे प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को जो राम उस पर अयोध्या में होने वाला है, ये बहुत खुशी की बात है। और हम ये चाहते हैं कि कम से कम इस चतुर्थ श्रेणी की भर्ती हो, ये इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलते चलते पुनः एक नज़र डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। जनवापी मामले में जिला जज ने अगली तारीख 24 जनवरी की तय की। चौक थाने के पशुपतेश्वर मोहल्ले में स्थित दो दुकानों में लगी आग। मकर संक्रांति को लेकर पतंगों की सजी दुकानें, चाइनीज मंजा बेचने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। और लंका थाना अंतर्गत सीर गोवर्धनपुर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चलाया गया सघन अभियान। ये थे आज के समाचार, कल फिर होंगे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।